हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टू माय चैनल चैपबुक स्टोर रूम। ओ आफ्टर लॉन्ग टाइम, यस आई नो, बहुत दिनों के बाद ब्लॉग डाल रही हूँ। लास्ट ब्लॉग में मैं बोली थी कि कुछ एक्साइटमेंट होने वाला है, क्योंकि मेरे यहाँ पे कोई आने वाले थे जो आके चले भी गए। यस, तो हम लोग उस टाइम जो जो मस्ती की हूँ, मैं उसका ब्लॉग अभी डालने वाली हूँ। क्योंकि मैं ना, कोई आते हैं तो सोचती हूँ कि मैं थोड़ा उन लोगों को भी टाइम दूँ। मैं अपना काम में अगर खुद इतना इन्वॉल्व हो जाऊँगी तो उन लोगों को टाइम नहीं दे पाऊँगी, तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं सोचती कि वीडियो बना लेती हूँ, बाद में डाल देंगे। तो जो भी है, आप लोग देखो मैं हम लोग कितना कितना मस्ती किए, कहाँ कहाँ गए और क्या क्या किए। ठीक है, आप लोगों को दिखाती हूँ, चलो देखो फिर आओ। और इसका एपिसोड होने वाला है, क्योंकि एक एपिसोड में इतना वीडियो दिखाना पॉसिबल नहीं है। इसका मिनिमम 2 से 3 भी एपिसोड होगा। तो ये है एपिसोड नंबर 1। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, देखो और एंजॉय करो, बोलो कैसा लगा। ओके, और प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, और हिट द बेल आइकन। तो चलो देख के आते हैं। या बूम। तो हेलो फ्रेंड्स, यस ये है हम लोग के 11 तारीख का फुटेज, जो है एक्चुअली ये 10 तारीख का फुटेज है, जो रात को हम लोग लिए थे, जो 11 तारीख को हम लोग के जाने से पहले का प्रिपरेशन है। एक्चुअली बनाना फॉर ट्रेन ब्रेकफास्ट एंड सम जूसेस, लेमन जूस एंड जलजीरा। और आज है 11th of April और हम लोग जा रहे हैं आगरा, और ऑलमोस्ट हम लोग लेट हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हो कि हम लोग निकल पड़े हैं, लेकिन हम लोग लेट है। यस, हम लोग को 6 बजे निकलना था और हम लोग 6:30 निकले, 7 बजे हम लोगों का ट्रेन है। ओ माय गुडनेस, बहुत ही टेंशन भरी बात है। अभी इस टाइम माहौल जो है बहुत ही, हम लोग टेंशन में है सब कोई। मतलब मुंह में आप लोग मुस्कान देख पा रहे हो, हम लोग एक्साइटेड है बट वी आर टेंस्ड। यस, अंदर से बहुत ही फटे जा रहा है, क्योंकि पता नहीं ट्रेन पकड़ पाएंगे कि नहीं। और मैं डर रही थी अगर ट्रेन नहीं पकड़ पाऊंगी तो मेरे पति देव बोलेंगे तुम ठीक टाइम पे नहीं उठे हो। एक्चुअली उठे तो ठीक टाइम पे, बच्चे बच्चे सबको तैयार करने में थोड़ा बहुत लेट हो गया था हम लोगों का। और निकलने के टाइम जो है वो हम लोग के जो पास में जो एक भाभी है, भाभी के घर वहीं पे, तो भाभी ने रास्ते में देख के बोल दिया कि तुम लोग जल्दी जाओ नहीं तो ट्रेन छूट जाएगा। तो हम लोगों का दिमाग और फिर गया था कि भाई यार बोला तो मत करो। और देखो सुबह सुबह सूरज कितना अच्छा लग रहा था, इतना सुबह सुबह बाहर निकलना नहीं होता है, लेकिन सूरज का किरण इतना अच्छा लग रहा था रास्ते में। और हम लोग स्टेशन पहुँच गए, जो ऑटो वाले भैया थे वो मतलब रॉकिंग कर दिया। यो यस, क्योंकि हम लोगों का 7:30 से 6:30 ऑटो में चढ़ी उससे बाद ही, लेकिन ऑटो वाले भैया ने पूरा 7 बजे से 5 मिनट पहले हम लोगों को स्टेशन में छोड़ दिया। हम जो ट्रेन हम लोग का था निजामुद्दीन स्टेशन से, तो उसमें छोड़ दिया। तो देख सकते हो हम लोग आके ट्रेन में बैठ गए हैं फाइनली। यार हम लोग फीलिंग लाइक कि बहुत अच्छा है, मिल गए हम लोग, आ गए पहुंच गए। तो अभी हम लोग बहुत मस्ती करने वाले हैं ट्रेन में सब मिल के। ये फाइनली हम लोग चल गए ट्रेन। और यहाँ भी हमें बोल रही थी यही कि मैं हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं। और हमारे ये दोनों के जो पति देव है, मतलब मेरे और मेरे देवरानी के जो पति है, तो वो दोनों बहुत ही क्या बोलते हैं उसे, कैसे टाइप का है, उन लोगों को कोई नहीं है वीडियो के बीच में आने का, मतलब है ही नहीं, उन लोग आना है ही नहीं। लेकिन हम दोनों तो दोनों ही हैं बचपन का साथी। और हम लोग फ़ोटो खींचना तो मतलब छोड़ते नहीं है ट्रेन में। और वहाँ देखो पिया सो रही है, वो सो गई थी और हम लोग पहुँच गए थे। ये सब फोटोज़ मैं इसमें डाल रही हूँ, अभी है वीडियो हम लोग अभी एक। और वहाँ पे मतलब जब उतर गए हैं पहुँच गए हम आगरा, दिल्ली से कहेंगे आगरा पहुँच गए आगरा। ट्रेन छूटते छूटते वो लोग ट्रेन मिस होते होते हम लोग पहुँच गए।
और वहाँ पे हम लोग उतर के बहुत सारे थे। आप लोग भी कभी आते हो आगरा, आप लोग जानते होंगे कि नीचे भी तो गाड़ी जो ऑटो ड्राइवर खड़े रहते हैं वो लोग तो पागल की तरफ कन्विंस करने लगते हैं। लेकिन हम लोग ये टोटो बैटरी वाला कार लिए थे, जो हम लोगों को खुद से ही बोला कि ये इतने पैसे देंगे और पूरा पूरा दिन घुमा के फिर स्टेशन में छोड़ देंगे। तो हम लोग इसे ये सही लगा, इसलिए हम लोग इस पर चढ़ गए। लेकिन भाई भयानक गर्मी थी, ओ माय गुडनेस। हम लोग उतरते ही ऐसे बॉयल हो जा रहे थे, ऐसे हो रहा था, इतना गर्मी थी। मतलब इतनी गर्मी तो सब दिल्ली में हम लोग फेस नहीं किए थे, आगरा में जाके जो हम लोग फेस किए। और हम लोग थैंकफुली मतलब इतना सारे जूसेस लेके गए थे, पानी बॉटल ले गए थे, लेकिन भाई साहब सब वहाँ पे गर्म जूस बन गया था, एक भी ठंडा पानी नहीं था उसमें, सारे गर्म बन गया था। लेकिन हम लोग मस्ती किए बहुत। यस, ये है हम लोग आगरा के ताजमहल जा रहे थे अभी, और उससे पहले हम लोग को ऑटो वाले भैया ने यहाँ तिरुपति बालाजी टेम्पल है सामने उस पर पहुँचा दिए थे। तो हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे जाके अंदर, और आप लोग पता है कि जैसे चप्पल खोल के ऐसे सीढ़ी में रास्ते में इतना गर्म है, ओ माय गॉड। और मेरा बड़ा वाला बेटा एज यूजुअल कुछ तो करता ही है, वो चप्पल पहन के गलती से चढ़ गया था, तो हम लोग डांट के उसको नीचे उतारे थे। इसमें अंदर जाने के बाद हम लोग को पता चला कि फ़ोटोज़ लेना अलाउड नहीं है, तो इसलिए आप लोगों को अंदर से तो पूरा दिखा नहीं पाएंगे, इतना दूरी मैं ले पाई थी, उसके बाद बोले कि अलाउड नहीं है। तो वहाँ से निकल गए, और मैं मेरे मोबाइल से पहले वीडियो बना रही थी, और वो वीडियो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, क्योंकि इतना गर्मी है, इतने हीट में मेरे वन प्लस काम नहीं करता है, और बोल देता है कि टेम्परेचर हाई होने की वजह से वीडियो नहीं करेंगे। बहुत ही ढीट है, बहुत ही मतलब बदतमीज़ है मेरे ये वन प्लस, जो काम के टाइम बहुत ही बिगड़ गया इस बार। तो इसलिए मुझे अनफॉर्चुनेटली ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये मेरे पतिदेव की मोबाइल से लिया हुआ है, जो बहुत ही गुस्से में होता था क्योंकि गर्मी के वजह से बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है सब। लेकिन फिर मैं थोड़ा कुक कर लिया। लेकिन ये बात है ना कि हम लोग जब पहुंच गए तब देखे ना, मतलब हम जब गए थे तब मेरा छोटा बड़ा वाला बेटा 1.5 साल का था, मैं जब पहली बार गई थी, माहौल पूरा चेंज है, पूरा मतलब पूरा गेट के सामने से ये जो रास्ता है, हम लोग जब आए थे इतना कुछ नहीं था, इतना पेड़ इतना कुछ ये सब नहीं था, हम लोग पेड़ था लेकिन ये देख ये ऐसे रास्ता नहीं था इतना, मतलब टिकट बुकिंग की जैसे है अभी उतना नहीं है। तो हम लोग ये है टिकट काउंटर, हम लोग टिकट ऑनलाइन कर लिए थे। आप लोग भी मैं बोलूँगी टिकट ऑनलाइन कर लेना जाने से, क्योंकि टिकट काउंटर में खड़े होकर करना गर्मी में और भी तकलीफ की बात होती है, और अभी कोविड की वजह से सब ऑनलाइन हो गया, तो इसलिए अच्छा है। हम लोग अभी आ गए मेन गेट पे, यस ताजमहल घुसने वाले हैं, और ये जगह पे तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक बात ताजमहल की मुझे बहुत खतरा लगता है कि वहाँ पे अंदर की जगह पे कोई भी बैठने का छाव का जगह नहीं है। अब अगर ये घुसने के साथ जो ये और यहाँ पे खड़े होकर क्या करेंगे लोग देखने मिला, लेकिन बाहर कोई भी जगह नहीं है, इसलिए इतना धूप है, इतनी धूप है, इतनी धूप है, ओ माई गुडनेस, पागल हो जा रहे लोग लोग, लेकिन लोग जा लोग इंसान तो होते हैं ऐसे कि जितना भी कुछ कर ले अपना मकसद के काम निकल लेते हैं, लेकिन इतनी धूप में भी सब तो भरपूर मजा ले लिए। तो अभी हम लोग आते हैं, देख लेते हैं ताजमहल की नज़ारे, और सब ऐसे मुंडी पकड़ के खड़े हो गए थे फोटो खींचने के लिए, सबको मुंडी पकड़ के ही फोटो खींचना था। मेरे बेटा ठीक है अभी, यस आ गया अभी, देखो पहले पूरा धूप 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 धूप, फिर अचानक से आ गया ये वाला, यस अभी देखो धीरे धीरे ये क्लियर हो रहा है। ओ सच में लगता तो है बहुत बढ़िया, अगर आप छाव में खड़े हो के आप आजू बाजू में ही ये जो एलिफेंट के सूर नज़र आ रहे हैं उसको नज़र मत देना, क्योंकि एलिफेंट के सूर वो उसको चोटी पकड़ने के लिए खड़े थे, लेकिन ताजमहल इस ताजमहल।
और चलिए ताजमहल के साथ साथ हम लोगों के थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ फोटोग्राफ भी आप लोगों से शेयर करते हैं। और यहाँ पे इतनी गर्मी थी, बच्चे लोग ऑलरेडी एग्जॉस्टेड थे। हम लोग पानी के बॉटल का इतना पानी पिए, नींबू पानी पिए, लेकिन गर्म हो चुके थे तो बहुत ही थक गए थे सब। सबसे बड़ी बात की हम लोग बोले कि पियाओ दीप को तुम लोग अंदर जाके देख के आओ, कि वहाँ पे जाके अभी 200 रुपये का टिकट एक्स्ट्रा से लेना पड़ता है। तो हम लोग बोले हम लोग नहीं जाएंगे, आप लोग जाओ, क्योंकि बच्चे लोग बहुत 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 ज़्यादा टायर्ड थे। तो बोले आप लोग जाके देख के आओ। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग मेरे बच्चे की हालत। अगर हो सके तो मैं जो इसे बचपन में लाई थी ना उस तरह की फोटो दे दूंगी। पूरे गाल में जैसे वैसे सामने ऐसे गाल। आई एम सो एग्जॉस्टेड। गर्मी में सबके हाल बेहाल हो गया। यहाँ पे एक है, वहाँ पे देखो दो बैठे हैं बेबस और लाचार। अरे अब बेबस लाचार जिसका मुंह का हालत, मतलब मैं एग्जैक्टली नहीं शो कर पड़ी दिखा, पूरा रैशेस आ गया है, पूरा लाल होके मुझे मतलब तकलीफ हो रही है देख के। तो यहाँ हम लोग आ गए बाहर, क्योंकि हम लोगों को भूख भी बहुत लग गई थी और हम लोग खाना खाने के लिए ढूंढ रहे थे। ये तो हम सब फोटोज़ हैं फिर से अंदर बाहर आप लोगों से शेयर की हूँ। और ये ताजमहल का वीडियो इतना ही था, क्योंकि इतने गर्मी में और मैं शूट नहीं कर पाई डिटेल्स में। बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। आप लोग जा रहे हो तो प्लीज़ मतलब पानी वानी अच्छे से लेके जाना और सब। और आगे आगे ब्लॉग देखने के लिए साथ में रहो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय।